वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम की किस तरह धज्जियां उड़ाई जाती है, इसकी एक वानगी बिजोलिया में देखने को मिली। जानकारी के अनुसार बिजोलिया शिवसेना तहसील प्रमुख रामफूल धाकड़ ने कस्बे में स्थित वनपाल नाका से वनों के विकास हेतु सूचना मांगी। यहां से की गई तालम टोल से परेशान धाकड़ ने मांडलगढ़ के क्षेत्रीय वन अधिकारी दशरथ सिंह को रजिस्टर्ड डाक द्वारा बीती 6 अगस्त को सूचना मांगी। महीने भर से ऊपर गुजर जाने के बाद भी अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से शुद्ध धाकड़ ने सक्षम अधिकारी उपवन संरक्षण भिलवाड़ा को इस हेतु मांगी गई सूचना का रिमाइंडर पत्र लिखकर रेंजर की कार्यशाली के प्रति नाराजगी व्यक्त की। धाकड़ ने बताया कि ऊपर माल क्षेत्र के वन क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतों के कारण विभाग से बीते 3 वर्षों के दौरान कितने मामले पकड़े गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी मांगी गई थी। साथ ही मनरेगा के तहत वन क्षेत्र में किए गए कार्यों का विवरण, वन क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुआ है उसकी जानकारी, वनों के विकास के लिए बीते वर्षों में किस मद में कितनी राशि स्वीकृत हुई है, ये राशि कहां कहां से आई है, इसका विकास कैसे हुआ है आदि की जानकारी का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। धाकड़ के अनुसार यहाँ वन क्षेत्र के नला का माताजी में अवैध खनन से जंगल सर्वथा समाप्त है। फाटी सडला, छोटी बिजोलिया, छतरी खेड़ा, नया नगर, तिलसवा, चंपापुर, गोपालपुरा सहित अनेक जगह सैंडस्टोन का अवैध व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। २०२० को ऊपरमाल बिजोलिया क्षेत्र में वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और एवं उजड़ रहे वनों को देखते हुए मैंने मांडलगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी को RTI के तहत एक लेटर लिख के 5 बिंदु की सूचना मांगी, जिसमें विशेष तौर से अवैध खनन के खिलाफ बनाए गए मुकदमों की जानकारी, वन क्षेत्र में मनरेगा के तहत हुए कामों की सूची एवं पौधारोपण की सूची मांगी। ऐसे करके 5 बिंदु की जानकारी मांगी थी, जिसको 1 महीना बीतने के बावजूद मेरे को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसे लेकर मैंने DFO साहब बिलवाड़ा को एक लेटर लिखा है, जिसमें निवेदन किया है कि मेरे को उक्त सूचना जल्दी से जल्दी उपलब्ध